हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राखी टेरेस गार्डन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ प्लांट्स की जिनको आप अभी खरीद भी सकते हैं और उनकी कटिंग भी लगा सकते हैं और सालों साल आपके गार्डन में रहते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। समर्स आते ही उनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो हम ऐसे कुछ प्लांट्स की बात करेंगे जिसमें कि सबसे पहले जो प्लांट है वो है अडेनियम। आप देखिए कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है इसमें, और मेरे पास चार प्लांट है अडेनियम के। और प्रूनिंग के बाद देखिए कितनी खूबसूरत हैवी फ्लावरिंग इस वाले प्लांट में तो बहुत अच्छी हुई है। इसमें अभी सिर्फ लीव्स आ रही हैं। तो ये प्लांट ऐसा है कि आप एक बार अपने गार्डन में लगा लेंगे तो उसके बाद हर सीज़न में आपको फ्लावरिंग मिलेगी इसमें। अडेनियम में बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं और थोड़ी सी केयर से ही इसको आप थोड़ा सा अच्छे से केयर कीजिए तो इसमें समर्स आते ही बहुत हैवी फ्लावरिंग हो जाती है। इसको डेजर्ट रोज भी बोला जाता है। और ये देखिए इसका कॉडेक्स, ये मेरा सबसे पुराना प्लांट है। बहुत खूबसूरत प्लांट होता है अडेनियम, बहुत अच्छा लगता है। तो ये अपने गार्डन में आप ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है इससे। ये देखिए आप। उसके बाद हम बात करेंगे रोज़ को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। एक बार ऐड कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके बाद देखिए आप इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। समर्स विंटर्स इसमें फ्लावरिंग धीरे धीरे होती ही रहती है। उसके बाद हम बात करेंगे हिबिस्कस। ये देखिए आप, हिबिस्कस भी एक बहुत खूबसूरत समर परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है हिबिस्कस में। मेरे पास काफ़ी सारे शेड्स हैं हिबिस्कस के, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पांच प्लांट इधर रखे हैं हिबिस्कस के और इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। और कलियां देखिए आप, कितनी सारी कलियां आ रही हैं, हर ब्रांच पर कली है। अब देखिए ये इधर भी कली है और ये देखिए आप। तो देखिए समर आते ही हिबिस्कस में कलियां शुरू हो जाती हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है समर्स में। और परमानेंट प्लांट है, एक बार आप खरीद के लाइए तो आपके गार्डन में सालों साल रहेगा। और हिबिस्कस में काफ़ी सारे शेड्स आते हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत, तो ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कनेर, ये वाइट कलर का कनेर है। मेरे पास पिंक, येलो और वाइट तीन शेड है मेरे पास कनेर के। और प्लांट्स की मैंने अभी प्रूनिंग की है तो फ्लावरिंग सिर्फ इसमें हो रही है। ये भी समर्स का बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, तो ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये आपको आसानी से, ये सारे ही प्लांट्स आसानी से आपको नर्सरी में मिल जाएंगे, तो ये भी ज़रूर लगाइए। एक बार लगाने के बाद आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी साल आपके गार्डन में रहता है ये। ये देखिए येलो कनेर, इसमें भी कलियाँ आ रही हैं। आप देखिए येलो कनेर में बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। आप देखिए धीरे धीरे ये पूरा प्लांट फूलों से भर जाएगा। इस बार मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी और बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है कनेर, बहुत आसानी से लग जाता है। पॉट में आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी साल पुराना प्लांट है मेरा, आप देखिए। तो ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जट्रोफा। जट्रोफा में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, ये देखिए आप कितनी अच्छी हो रही है। और इसकी भी मैंने आपकी बार बहुत अच्छे से प्रूनिंग की थी और उसके बाद ग्रोथ देखिए आप कितनी अच्छी हो रही है इसकी। तो ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, बहुत आसानी से नर्सरी में मिल जाता है। मेरे गार्डन में कम से कम 6 या 7 साल पुराना प्लांट है। आप देखिए काफ़ी बड़ा प्लांट है और इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे चंपा। चंपा में भी काफ़ी सारे शेड्स आते हैं। ये बिल्कुल वाइट वाला चंपा है और इसमें भी देखिए समर्स आते ही लीव्स आनी शुरू हो गई हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, बहुत अच्छी खुशबू भी आती है चंपा में। और ये देखिए कितना बड़ा प्लांट है और काफ़ी पुराना प्लांट है ये मेरा। इसमें ही ये नाग चंपा, इसमें भी बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है। ये देखिए एक और चंपा, ये रेड कलर वाला है, ये येलो वाला है। इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, अभी इसमें लीव्स नहीं आई हैं और सभी चंपा में आप देखिए लीव्स आनी शुरू हो गए हैं। तो ये भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए, कटिंग से आसानी से लग जाता है। एक बार लगाएंगे सालों साल आपके गार्डन में चलेगा, बस रिपॉट करना चाहिए इसको। अगर पॉट में आप लगा रहे हैं तो अच्छी तरह रिपॉट कर दीजिए। तो चंपा भी बहुत आसानी से गार्डन में लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए मोगरा, जिसको बेला भी कहा जाता है, बहुत खुशबू आती है इसके फूलों में। ये मेरा 2 साल पुराना प्लांट है
और आप देखिए इसकी प्रूनिंग के बाद इसमें कलियां, देखिए हर ब्रांच पर कलियां आ रही हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है समर्स में इसमें, तो ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए। एक बार ऐड करेंगे सालों साल फ्लावरिंग करेगा, तो ये ज़रूर करना चाहिए अपने गार्डन में ऐड। नेक्स्ट प्लांट है बोगनविलिया, इसमें भी देखिए समर्स में कितनी अच्छी फ्लावरिंग होती है, और ये भी मेरे पास काफ़ी सारे शेड्स में है। आप एक ये देखिए, मैंने रिपॉट किया था इसको, तो इसमें भी बहुत अच्छी लीव्स आनी, बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है। अब इसमें फ्लावरिंग शुरू होगी। मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था इन दोनों प्लांट में फ्लावरिंग काफ़ी हैवी हो रही थी, और अब इसमें दोबारा से शुरू हो गई है ऑरेंज वाले में। तो बोगनविलिया आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, एक बार ऐड करेंगे हमेशा रहेगा, तो ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में। परमानेंट प्लांट है, काफ़ी साल आपके गार्डन में रहता है ये देखिए आप। तो बोगनविलिया मेरे गार्डन में ये वाला जो प्लांट है, बहुत मैं पतला सा प्लांट लेके आई थी, तो ये वाला जो प्लांट है मेरे गार्डन में कम से कम 4 साल पुराना प्लांट है। तो हमेशा रहने वाले जो प्लांट्स हैं वो अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए आप। ये देखिए टिकोमा का प्लांट, येलो टिकोमा है, और इसकी भी प्रूनिंग कर दी थी मैंने, देखिए आप हार्ड प्रूनिंग, और उसके बाद इसकी ग्रोथ देखिए। तो ये भी समर्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो ये भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। परमानेंट प्लांट है, हमेशा आपके गार्डन में रहेगा, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है, तो बहुत खूबसूरत फ्लावर, गुच्छों में फ्लावर आते हैं इस प्लांट में, तो ये भी ज़रूर लगाइए आप अपने गार्डन में, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। और इसमें शेड्स भी काफ़ी सारे आते हैं, सड़क के किनारे आपको काफ़ी सारे प्लांट्स मिल जाएंगे इसके लगे हुए। ये देखिए आप, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। ये देखिए एंड में जो मेरे गार्डन में लगा हुआ प्लांट है विंका, ये भी हमेशा आपके गार्डन में आपको सीड से, कटिंग से, कैसे भी हर सीज़न में आपको ग्रो होता हुआ मिलेगा ये भी, और बहुत खूबसूरत फ्लावर आते हैं विंका में भी। ये देसी वाला विंका है, आजकल हाइब्रिड में भी आ रहे हैं, तो ये भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। एक बार लगाएंगे तो सीड से ये हमेशा ग्रो होता रहता है, अपने आप ही निकल आते हैं इसके प्लांट सीज़न आते ही। तो यही कुछ प्लांट्स थे मेरे गार्डन के फ्लावरिंग प्लांट, जो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं समर्स में, और परमानेंट प्लांट है, और काफ़ी सारे प्लांट्स हैं मेरे गार्डन में। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।